सुनील भाई, आज हमने कितना दिन बाद मिल रही? करीब 5 साल बाद। तो इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक कभी जिंदगी में बाहर कभी भी नहीं पी थी। इनका असली नाम योगेश है, कोई लालू मत समझ लेना इनको। तो दिल्ली पुलिस के 2 SMS थे हमारे पास में। हमर मेहरारू और हमर लइकवा दोनों अभी सूते हुए हैं, आराम कर रहे हैं। घड़िया में जो टाइम हो रहा है से बज रहा है लगभग 5। कल रात को हमारे पास में रमेश जी का फ़ोन आया था कि सुबह सुबह हमें दिल्ली निकलना है। अब क्यों निकलना है, किस लिए निकलना है, वो हमें कुछ भी नहीं बताए थे फ़ोन पे। तो अभी 5 बज गए हैं, अगला 15-20 मिनट के अंदर हम नहा के दिल्ली निकलेंगे। और एक बात सही सही बताऊँ मैं आप लोगों को, यार ठंड बहुत हो रही है यार, और कैसे नहाऊँ मैं? कमेंट करके बताना आप लोग दिल्ली नहाते हो कि नहीं नहाते हो, और मेहरारू और लइकवा कौन सी भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है। हम लोग सुबह 5:30 पर निकल गए थे और रमेश जी आए मेरे पास में। देख लीजिए, रमेश जी मेरे साथ में ही हैं और इनके जो भाई साहब हैं पीछे बैठे हुए हैं। एक्चुअली इनका सिलेक्शन हो गया एक जॉब के अंदर दिल्ली के लिए और हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, तो एक बार इनको हम दिल्ली ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद में वापस मुझे जयपुर आना पड़ेगा। और अभी जो मैं देख रहा हूँ रास्ते के अंदर कि किसान आंदोलन के कारण कुछ जो रोड्स हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं जा सकें, तो आप इजीली दिल्ली जा सकते हैं जयपुर से। दस बज गए सुबह के और अब हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली के अंदर द्वारिका में। हमें लगभग 4.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर से, और इसके अंदर हमने लगभग 250 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर किया है। और अब बहुत जल्दी वो जगह आने वाली है जहाँ पे हम अभी लालू भाई को छोड़ देंगे। तो एक बार चलिए पहुँचते हैं हम फटाफट से उस जगह पर जहाँ पे इनका असली नाम योगेश है, कोई लालू मत समझ लेना इनको, तो योगेश जी को वहाँ छोड़ देंगे हम। तो जिस काम के लिए हम दिल्ली आए थे फाइनली वो काम होने वाला है। एक्चुअली हमें जो है योगेश को ड्रॉप करना था दिल्ली, क्योंकि योगेश अब जो है दिल्ली शिफ्ट हो गया है और दिल्ली के अंदर यहाँ पर एक पीजी है, तो उस पीजी के अंदर ही अब योगेश रहेगा। अब एक बार मैं आपको अंदर का जो रूम का टूर है वो भी करवा देता हूँ यहाँ पे। और ये जो रूम हमें मिला है इसका रेंट है 7,500 रुपये, जिसके अंदर इन्हें 3 टाइम का खाना मिलेगा, प्लस जो बिजली का बिल है वो इसमें इंक्लूड है और पानी इसमें इंक्लूड है। और अभी पीछे बातचीत चल रही है रूम के बारे में, डिस्कशन चल रहा है, एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है। एक बार मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ। इस रूम के अंदर एक बार में 2 लोग रह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूम जो है डबल शेयरिंग का रूम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 बेड हैं इस तरह से, और सामने एक अलमीरा है, तो इसके अंदर भी 2 पार्टीशन किए हुए हैं और 1 टेबल इस तरफ है जहाँ पर एग्रीमेंट किया जा रहा है अभी, और दूसरी जो टेबल है वो इस तरफ है। और हम रूम से जब बाहर निकलेंगे तो ये इस तरह का पीछे का लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे। और रूम के अंदर इस तरफ जो है यहाँ पे ये है वॉशरूम यानी लैटरिन वाला एरिया, और इधर जो पीछे की तरफ इसका जो ये जो एरिया है ये नहाने के लिए है, एक्चुअली वॉशरूम है ये। और अगर किसी को फ्रेश वगैरह होना है तो इधर आ सकता है, और नहाना धोना करना है तो वो उधर जा सकता है। तो अब मैं दिल्ली से निकलने वाला हूँ, तो योगेश को बस लास्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक कर देता हूँ। तो भाई तुम अच्छी तरह काम करना दिल्ली में। तो बस अब ये योगेश को यहाँ छोड़ना था हमें, और अब हम इसके बाद हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। बट अभी जो टाइम है वो लगभग हो रहा है 11:30। सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो पहली प्रायरिटी यही होगी कि हम कहीं पर कुछ जाके कुछ खा पी लें। अब हम दिल्ली से निकल रहे हैं, और दिल्ली से निकलने के बाद में अब मुझे जाना है गुड़गांव। गुड़गांव में एक जगह है इफ्को चौक, आप लोग जानते होंगे अगर आप गुड़गांव से हैं तो। तो इफ्को चौक पे क्या है, मेरे एक ब्रदर हैं जिनसे मैं बहुत सालों से मिला ही नहीं हूँ, और जब भी दिल्ली आता हूँ गुड़गांव आता हूँ नहीं मिल पाता हूँ, बट आज डिसाइड किया कि फाइनली उनसे मिलना है तो मिलना ही है।
और अभी मैं इफको चौक जस्ट पहुंचने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए मेरे ब्रदर से भी मैं आपको मिला देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहां पे आज आया हूं गुड़गांव के अंदर, तो यहां पे मेरे एक ब्रदर हैं और इनसे मैं आज बहुत सालों बाद ही मिला हूं। तो ये मेरे जो हैं मौसेरे भाई हैं। और सुनील भाई, आज हमने कितना दिन बाद मिल ली? करीब 5 साल बाद। तो आज हम लोग जो है 5 साल बाद मिले हैं और हमने मिलना बहुत टाइम हो गया बा। हम बहुत बार दिल्ली आए बा, थोड़ा सा मिलना पाली बा हम। और काम धंधा कैसे चल था बा? काम धंधा ठीक चल रहा है बिल्कुल। तो दो रीज़न थे यहाँ दिल्ली आने के। पहला तो दिल्ली में था जो आपको दिखा दिया था मैंने। सेकंड था मुझे भाई से मिलना था। ये मेरे मौसी के लड़के हैं मतलब, और हम 5 साल पहले मिले थे। तो जब कभी मैं गाँव जाता था तो मौसी अक्सर बोलती थी कि तू ओकर पासे रहे हैं, ओकरा से मिल के काहे ना आए। तो ये सारी शिकायतें थी। तो शायद फ्यूचर में सारी शिकायतें अब नहीं रहेगी मौसी के पास में। तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं यहाँ से निकलने के बाद में हमें और क्या करना है। मौसी से बता देना कि मिल के आए हैं इस बार। हाँ तो मौसी के हम बता देंगे कि हम भाई से मिल के अगले ही। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और मैं सुबह सुबह निकल गया था अर्ली इन द मॉर्निंग और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पीछे है ओल्ड राव होटल। तो जब भी आप जयपुर से दिल्ली हाईवे पे जाएंगे तो रास्ते में आपको ओल्ड राव होटल जो है वो मिल जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ का जो फूड है वो कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि यहाँ का फूड जो है बहुत अच्छा है। पर एक बार हम चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि यहाँ का फूड कैसा है। हम लोग अभी अंदर की तरफ बैठ चुके हैं ओल्ड राव होटल में और आप देख सकते हैं रश जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। और हमने ऑर्डर किया है एक पनीर पराठा, एक मिक्स पराठा और एक चाय का और एक दही का। तो दही जो है हमारी वो आ चुकी है। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारा एक बार फूड आ जाए ताकि हम आपको चेक करके बता सकेंगे जो ओल्ड राव का जो फूड है वो आखिर कैसा है। मैंने खाना खा लिया है ओल्ड राव होटल के अंदर और फूड वाज रियली वेरी गुड। और मैं आपको सही में रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। यहाँ की जो मैंने चाय पी है, मैं आपको रियली में कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में बाहर कभी भी नहीं पी थी। तो चाय बहुत ही अच्छी थी, पराठे और दही वगैरह भी बहुत अच्छे थे। तो आप ओल्ड राव होटल जो है जयपुर से दिल्ली हाईवे के बीच में, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और अब टाइम हो गया यार कि हम अब रवाना होएं जयपुर की तरफ, क्योंकि लगभग लगभग 4 बज चुके हैं शाम के और हमें अभी लगभग 2 या 2.5 घंटे और लग जाएंगे जयपुर पहुँचने में। खाना खाने के बाद में हम लोग कुछ टाइम के लिए सो गए थे, लगभग आधा घंटा या फिर 45 मिनट के लिए। और जैसे ही हम लोग सो के उठे तो दिल्ली पुलिस के 2 SMS थे हमारे पास में ओवर स्पीड के चालान के। 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का हमारा चालान का बिल आ गया। और मुझे याद नहीं हम लोग कब ओवर स्पीड हुए थे, और जिस जगह का आया है जिक्र ओवर स्पीड का, वहाँ पे तो शायद अपन ओवर स्पीड थे भी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और दूसरी चीज़ ये कि रास्ते के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में, और किसान जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं हर जगह, जो कि हमने नोट किया है। और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े थे जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है उस जगह पर। तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, लेकिन जो किसान आंदोलन हमने जो देखा है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके चल रहा था और किसान भी वहाँ पे बहुत कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। हो सकता हमारे रूट का फ़र्क हो या फिर आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे थे उनकी संख्या कम हो गई हो।
तो फाइनली टाइम आ गया है कि अब हम चल पड़े जयपुर की तरफ, घर की तरफ निकल चले। तो जो जो चीज़ें थी रास्ते के अंदर मैंने सारी कवर करने की कोशिश की। योगेश को हमने दिल्ली छोड़ा, फिर गुड़गांव के अंदर मैं मेरे एक भाई से मिला 5 साल बाद में। रास्ते में मैंने आपको किसान आंदोलन भी दिखाया, बीच में जो ओल्ड राव जो होटल था वो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और एक अच्छी तरीके से वीडियो कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, जो भी राय कमेंट करें, और अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया है वीडियो से रिलेटेड तो मुझे वो कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।